हेलो आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल ऑलवेज जीरो सीआई सवाला पर तो भाइयों आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया आऊँ जिन भी भाइयों का किसी भी एग्जाम हो चाहे कोई सा भी एग्जाम हो लेकिन बात करें इंपॉर्टेंट रूप से तो वही एस एस का जिनका जिनका पेपर और फिजिकल पास हो चुका है और जो मेडिकल के लिए ट्राई कर रहे हैं और जिनका मेडिकल होने वाला है तो साथ ही में उनका डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन भी होगा और डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन का मैंने कम्प्लीट वीडियो बनाई किया भाई कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे और किस किस फॉर्मेट में चाहिए होंगे वो फॉर्मेट भी मैंने दिखा दिया है इसका लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा ठीक है और बात करूं मैं उसके जो वीडियो मैंने बनाया था उस वीडियो नीचे बार बार कमेंट्स आ रहे थे जो ये सारे डाउट्स थे आपके कि भाई मेरे डॉक्यूमेंट्स में जो पापा का नेम है या फिर मेरा नेम है उसमें मेरे स्पेस नहीं दिया पापा का नाम गलत है यादव ने लिखा हुआ किसी किसी कि प्रकार का कोई डाउट आ रहा था दूसरा था आपके क्लिशल डेट का इशू तीसरा आपका था कास्ट सर्टिफिकेट भाई सेंट्रल का हो या स्टेट का हो हमारे यहाँ पे सेंट्रल का बनता ही नहीं है स्टेट का अलग बनता ही नहीं है हमारे यहाँ पे तो ऑनलाइन बनता है ऑफलाइन बनता है तो भाई वो क्या इशू है सबको समझाऊंगा तीसरा आपके मार्क्स कट ऑफ के लेके तो इसका तो मैंने वीडियो बनाया इसमें आपको मैं शॉर्ट में बता दूंगा जो भी आपके डाउट्स होंगे ठीक है और पोस्ट प्रिफेरेंस पोस्ट प्रिपेरेंस को लेकर भी आपको सारे डाउट क्लियर कर दूंगा तो भाई आज ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपका सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसके अंदर क्लियर हो जाएगा क्योंकि भाई देखो क्या होता है मेडिकल वगैरह में तो चलो एक पॉइंट मिल जाता है तो इसे रिमेडिकल दे दिया जाता है लेकिन डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन सीधा आउट किया जाता है तो इसके ऊपर बहुत ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है तो चलिए इसमें पूरे डाउट्स आज क्लियर करने वाला हो तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेकिन उससे पहले आप सभी यह गुड न्यूज है कि अगर आप में से कोई भी भाई सी आर की तैयारी करना चाहता है

एक एक टॉपिक पे बात करता हूँ भाई सबसे पहले बात करता हूँ आपके डॉक्यूमेंट्स नेम और मिस्टेक पे ठीक है डॉक्यूमेंट्स में नाम मिस्टेक है भाई अगर देखो डॉक्यूमेंट्स में आपके टेंथ के मार्क्शीट आधार कार्ड और जो आपका ट्वेल्थ की मार्कशीट है जो लेने ले के लिए ट्वेल्थ की मार्कशीट लेके नहीं जानी लेकिन टेंथ की मार्क्स तो आधार कार्ड है और जो आपका डोमिसाइल है ये तीन डॉक्यूमेंट तो ऐसे हैं जो कि आपका पूरा परफेक्ट रूप से ठीक होने चाहिए लेकिन अगर इनमें नाम की मिस्टेक है आपके तो आपको नाम अभी आपका एक महीने का टाइम अभी आपके पास है पूरा जून पड़ा है जुलाई में आपके मेडिकल स्टार्ट होंगे तो पूरा जून अभी आपके पास है आप उसे करेक्शन करवाना चाहते हो तो करेक्शन करवा सकते हो आपके पास टाइम है ठीक है और अगर आपके पास टाइम मतलब अगर करेक्शन नहीं हो पाता है इस टाइम के अंदर इस शेड्यूल के अंदर टाइम करेक्शन नहीं भी हो पाता है तो आप अपनी मार्कशीट ले जाना आपके आधार कार्ड तो आप या तो सीधा सीधा सीधी सी बात है कि अपने डॉक्यूमेंट्स होगी आपका मिस्टेक है मार्कशीट हो कुछ भी हो उसमें ले जाना है तो वहाँ पर करेक्शन करवा के अगर करेक्शन नहीं करवा पाते हो तो आप उस डॉक्यूमेंट के साथ वहाँ पे एफिडेविट ले जा सकते हो आप अपना एफिडेविट उस डॉक्यूमेंट के साथ वहाँ पे सबमिट कर सकते हो उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स में कोई नेम मिस्टेक भी है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली भाइयों और फिर बाद में आपको उसको करेक्शन करवाना पड़ेगा ठीक है मतलब डीवी के टाइम पे आप उस डॉक्यूमेंट्स को और एपिडेविट को साथ में प्रोवाइड करवा देना उसके बाद आप जब डीवी कंप्लीट हो जाएगा आपका उसके बाद आकर उसको करेक्शन करवा सकते हो वो करेक्शन करवाने के लिए आपको बोल देंगे ठीक है तो ये आपका पहला डाउट क्लियर हो जाता है उसके बाद सेकंड डाउट की बात करूं मैं आपका तो वो है आपके क्रिशियल डेट का भाई क्रिशियल डेट का इशू देखो किसने बनाया है क्रिशियल डेट का इशू बनाया आपके यूट्यूबर्स ने और कहीं भी आठ दिन तक ऐसे किसी भी नोटिस में क्रिशल डेट का कोई जिक्र नहीं होता केवल जो फॉर्म फिल होता है फॉर्म फिल होता है उसके लिए फॉर्म का नोटिफिकेशन आता है उस टाइम पे ही आपका क्रिशियल डेट का कोई जिक्र होता है कि भाई क्रिशियल डेट के पहले का आपका कास्ट सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए ठीक है ऐसा बोला जाता है लेकिन उसका कभी को कोई इशू नहीं हुआ केवल आपके यूट्यूबर्स लोगों ने यूट्यूब पर वीडियो और बनाने और व्यूज़ बटोने के लिए इसका इशू बना रखा है बाकी अगर आपका डी के एक दिन पहले का भी अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ है या डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं तो वो भी वहाँ पर मतलब पूरी तरह से सबमिट होंगे और कोई भी दिक्कत नहीं होगी भाइयों तो क्रिशल डेट का इसके बाद कोई मेरे को डाउट नहीं आना चाहिए कमेंट नहीं आना चाहिए आपका सारे डॉक्यूमेंट्स का जो क्रिशल डेट है वो कोई इश्यू नहीं होता कभी कभी बना हो चलेगा लेकिन हाँ ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए नया भले एक दिन पहले का बनवा के ले जाओ चलेगा लेकिन ज़्यादा पुराना मत ले जाना भाई जो भाई कमेंट कर रहे थे कि भाई मेरा जो ओ सर्टिफिकेट है तो भाई ओ बी सी सर्टिफिकेट तीन साल से पुराना नहीं होना चाहिए ए सर्टिफिकेट है वो ज़्यादा पुराना नहीं होने चूँकि अप्रैल के अंदर वो मार्च के अंदर वो इन्वेलेड हो जाता है तो नया बनवा लेना भाइयों और भाई डोमिसियल के लिए कुछ बोल रहे थे तो भाई डोमिसियल देखो डोमिशियल हमेशा चल जाता है एक दो तीन साल चार साल पाँच साल पहले का चल जाता है लेकिन अगर तुम साल भर पहले का लेके जाते हो ना तो वो ज़्यादा ठीक रहता है क्योंकि उसमें आपके कोई भी डाउट में नहीं आता आप अगर आप पाँच साल पहले का लेके जाओगे उसमें डाउट में जाते हो आप क्योंकि आपका हो सकता है आपने माइग्रेशन ले लिया हो कुछ भी कर लिया हो तो ये डॉक्यूमेंट्स आपका क्यूशल डेट का इशू मैंने कंप्लीट रूप से खत्म कर दिया इसके बाद भी अगर आपको डाउट बसा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और टेलीग्राम चैनल ऑलवेज जीरो से सी एस वालाओ ज्वाइन करना वहाँ पर आपको और भी डाउट्स क्लियर करने का आपको मौका मिल जाएगा ठीक है और तीसरा आपके डाउट है वो है आपके कास्ट सर्टिफिकेट का। जो का का था। नहीं। था था नहीं। था नहीं। है सेंट्रल का स्टेट का होना चाहिए भाई अगर आपका देखो कास्ट सर्टिफिकेट सीधी सी बात है कि आपका जो वैकेंसी है वो सेंट्रल की है तो आपको सेंट्रल का ही कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा अब कुछ स्टेट में ऐसा होता है कि भाई हमारे सेंट्रल और स्टेट का सेम बनता है भाई अगर सेम बनता है तहसीलदार वाला चाहिए अगर तहसीलदार वाला तुम बनवा रखे हो चाहे वो सेंटर का हो चाहे डॉक्यूमेंट उसका हो स्टेट का तो क्या होता है देखो यूपी हो गया अभी यूपी में क्या होता है कि भाई जो सेंट्रल का होता है वो इंग्लिश में बनता है और जो आपके स्टेट का वो हिंदी में बनता है तो इस प्रकार अगर कोई डिफरेंस है आपके तो जो सेंट्रल का होता है उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा होता है और अगर स्टेट का हो तो गवर्नमेंट ऑफ और जो जिस स्टेट का है उस स्टेट का नाम लिखा होता है तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपको सेंट्रल का बनवाना है ठीक है और जिस स्टेट में सेंट्रल का नहीं बनता है केवल स्टेट का ही बनता है तो वो स्टेट का भी वहाँ पर सबमिट हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे भाई ठीक है उसके बाद बात करूँ कि भाई जो ये जो सर्टिफिकेट है वो हम नया पुराना बनवा सकते हैं तो भाई नया पुराना मैंने बता दिया क्वेश्चन लेट का काशूज कंप्लीट रूप से क्लियर कर दिया है उसके बाद बात करूँ मार्क्स और कट ऑफ की तो भाई मार्क्स और कट ऑफ का वीडियो मैंने पहले बना दिया बारह इसके ऊपर बात करने से मुझे नहीं लगता कोई फायदा होगा सारे एक बजे कटो वीडियो बना रखे हैं ठीक है थीका? लास्ट और फाइनल लाउट आपका पोस्ट प्रेफेरेंस का तो भाई पोस्ट प्रेफेरेंस के ऊपर मैंने देखो मैंने कल भी कहीं बात की थी कोई कुछ यूट्यूबर्स बोल रहे थे भाई कि पोस्ट प्रेफेरस चेंज करने का मौका मेडिकल में मिलता है तो उसके ऊपर ही मैंने वीडियो बनाया था आप लोगों को नहीं दिखा तो देख लीजिएगा और आज मैंने एक अपील वीडियो बनाया है जिसके अंदर मैंने आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट की है उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट किया भाई उस वीडियो को सभी लोगों तक पहुंचाओ ताकि पोस्ट प्रेफरेंस के चेंज करने का मुद्दा उठाया जा सके और उससे बच्चों को फायदा हो सके इससे क्या होगा कि कहीं बंदे जो ज्वाइन नहीं करना चाहते उनको अगर ऐसी पोस्ट मिल गई जो वो ज्वाइन नहीं करना चाहते तो वो पोस्ट खाली जाएगी वैकेंट जाएगी और जो बच्चे को ज़रूरत थी वो भी उसको नहीं पा पाएगा तो इसीलिए लिए मैंने एक अपील वीडियो बनाया उस अपील वीडियो को शॉर्ट्स वीडियो में आप जाके देख सकते हो उसको जरूर शेयर कीजिएगा सभी ग्रुप्स में और सभी टीचर्स के साथ उन सभी बड़े यूट्यूबर्स के साथ ठीक है ताकि उन सभी तक पहुंच सके और सभी भी ऐसी अपील वीडियो बना के कुछ ना कुछ अपील कर सके ताकि सभी बच्चों को फायदा हो सके बाकी मेरी तरफ से और भी कोई हेल्प हो पाएगी मैं पूरी हेल्प करूँगा भाइयों ठीक है आप बस कमेंट कर देना मेरे को मैसेज कर देना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया या फिर आप कमेंट बॉक्स में से देख सकते हो मिलते हैं नेक्स्ट किसी हेल्पफुल वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत